और यार दिल्ली का बहुत आइकनिक जगह है ये सिग्नेचर ब्रिज, जो भी लोगों ने अपनी छाप जो है वो डालना शुरू कर दिया यहाँ पर। कहीं ना कहीं हम ये सब चीज़ें इतनी डेवलपमेंट डिजर्व करते नहीं है। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल डीपी व्लॉग्स। सो आज मैं जा रहा हूँ सिग्नेचर ब्रिज को देखने के लिए। वैसे तो बने हुए उसको काफ़ी टाइम हो गया है, बट अपनी नज़र से नहीं देखा तो क्या देखा। और कुछ मैं सिनेमैटिक शॉट्स, ड्रोन शॉट बनाने वाला हूँ जो आपको अच्छे लगेंगे, और कुछ जानकारियाँ भी मैं आपको दूंगा। अभी क्या करंट स्टेटस है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप कि मैं कुछ जानकारी और कुछ ऐसे फैसिनेटिंग शॉट्स मैं आपको दिखा सकूँ। सो ये देखिए बैटरीज जो है वो चार्ज हो रही है, ये ड्रोन की बैटरी, अभी रिमोट में चार्ज करूँगा। ये 360 कैमरे की बैटरी है और ये GoPro की बैटरी, और ये रहा मेरा फ्लाइंग बीस्ट। तो अभी 12 बज रहे हैं और 1 बजे मैं अपने फ्रेंड के साथ निकल जाऊंगा और सीधा मैं मिलता हूं आपको बाइक पे। आ जाओ मित्रों लंच कर लो। तो भाई दिल्ली का जो सिग्नेचर ब्रिज है यार, बड़ा आइकनिक ब्रिज है वो, और कुछ उसके बारे में जानकारियां मैं आपको देता हूँ। वो 2008 में बनना चालू हुआ था और नवंबर 2018 को उसका इनॉग्रेशन हुआ था, यानी कि वो चालू कर लिया गया था। बाकी ये आप देख रहे हो, ये भी दिल्ली का एक आइकनिक स्ट्रक्चर है जिसे हम टीवी टावर कहते हैं। जी हमें पड़ा ये पहला स्पीड का कैमरा, इसके आगे सारे के सारे लोग ना मासूम हो जाते हैं, और जैसे ही निकल जाता है उसके बाद लोग स्पीड पकड़ते हैं। अब जैसे ये गई पहले जीप कंपास और ये जैगुआर, वो यार ये तो बहुत लंबी गाड़ी है। यार ऐसे अचानक से ब्रेक लगाया, अभी मैं तो डर गया, ये तो मेरी बाइक ही रख लेता, इसके क्रोच भी लग जाती। तो पीछे एक बाइक के पीछे लिखा हुआ था अभी कि भाई बुलाती है मगर जाने का नहीं। उस बाइक को कौन समझाए, भाई जाना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि कौन बुला रहा है। अगर मम्मी बुला रही है, वाइफ बुला रही है, तो भाई जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता कमेंट करके बताना जाना पड़ेगा या नहीं, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से लेंगे हम लोग लेफ्ट, और लेफ्ट जाएगा ये सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर। और आपको बता दूं कि ये वजीराबाद का पुल है जो यहाँ से लेफ्ट जाके था, जो पुराना ब्रिज था, बहुत ज़्यादा उस पर ट्रैफिक रहता था, बहुत ज़्यादा। मतलब कि आप ये मानो कि आप अगर यहाँ से 5 मिनट में पहुँच रहे हो ना, तो भाई वहाँ से ना 45 मिनट लगते थे पहुँचने में। ये रहा दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज। हाँ हाँ भाई और बहनों, सिग्नेचर ब्रिज। ये देखो गाइस, ये तो है ना, इसके वो हैं एंकर्स हैं। देखो कितने बड़े हैं यार, कितने विशाल हैं, कितना लोहा यूज़ हुआ होगा ना। चलो जी बाइक हमने यहाँ लगा दी है, अब सिग्नेचर ब्रिज के नीचे क्या है वो देख के आते हैं। सो गाइस देखो ये बेस बना रखा है यहाँ पर, और उसके ऊपर ये पूरा पिलर जो है वो आ रखा है, एंगल बोल सकते हैं इसे, और ये नीचे से एंगलों पे टिका हुआ। और ये देखिए कितने मोटे मोटे इसके नीचे पिलर बने हुए हैं, और ये देखो नीचे से सिग्नेचर ब्रिज। सो वो देखिए जो ये तारे आ रही हैं ऊपर से, टोटल 8 तारे हैं ये, और ये देखो नीचे से ये इस पर टिकी हुई हैं, ये देखो इससे बाइंड है पूरी,
ये देखो ये रहा सिग्नेचर ब्रिज। तो ये नीचे से इसका पूरा एक तरह से स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। सो अभी क्या है, थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस इसलिए भी हो गई है क्योंकि लोगों ने यहाँ चोरियाँ भी शुरू कर दी और बंदरों की तरह इसके ऊपर पाइप्स के ऊपर तारों के ऊपर चढ़ना भी शुरू कर दिया था। ये देखो जी, अभी हमने यहाँ पर ठंडा पिया शिकंजी और भाई को चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं हमारे पिंटू भाई। चलो जी, पूरा सिग्नेचर ब्रिज अभी आगे से घूम के आएंगे, फिर आपको बताएंगे कुछ बातें सिग्नेचर ब्रिज के बारे में। वैसे तो 2 साल हो गए इसे बने हुए, तो भाई 360 लग गया है यहाँ पर और अब 360 से वीडियो बना रहे हैं हम लोग। इस समय मैं खड़ा हूँ सिग्नेचर ब्रिज के नीचे। ये देखिए ऊपर मेरे सिग्नेचर ब्रिज। और यार दिल्ली का बहुत आइकनिक जगह है ये सिग्नेचर ब्रिज, जो अभी 2 साल पहले ही ओपन हुआ है आम लोगों के लिए। वैसे ही बन रहा था काफ़ी टाइम से, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह थे इसलिए इसे ज़्यादा टाइम लग गया। ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाना चाहता। और आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत स्क्रीन में छोटा लग रहा होगा, बट यार जब आप यहाँ खड़े होगे ना तब आपको इसकी हाइट का अंदाज़ा होगा। ये देखो, और बिलीव करिए कि इसके अंदर लिफ्ट भी है, इसके अंदर लिफ्ट भी है यहाँ पर। एक थोड़ी सी सोचने वाली बात ये है कि यार यहाँ से लिफ्ट जाएगी टेढ़ी टिल्टेड होके, फिर उसके बाद ऊपर जाएगी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अभी कुछ यहाँ पर ऐसा चालू हुआ नहीं है, नहीं तो पता चल जाता। और यहाँ पर रुकी है, देखिए इतनी सारी गाड़ियाँ अभी अचानक ही रुकी हैं, तो ये लोग जो है अभी यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह कराने के लिए रुके हैं, क्योंकि दिल्ली की आइकनिक जगह है। कोई अगर बाहर से आता है तो यहाँ ज़रूर रुकता है एक बारी को, अगर वो यहाँ से गुजर रहा है तो। और गाइस ये देखिए, लोगों ने अपनी छाप जो है वो डालना शुरू कर दिया यहाँ पर। बुग्गू बैट्स, बुग्गी, ये वो, फलाना ढिमकाना, शिवानी शिवानी, ये वो। तो कहीं ना कहीं हम ये सब चीज़ें इतनी डेवलपमेंट डिज़र्व करते नहीं हैं। ये देखो मुस्कान, तो ये तो नेगेटिव कुछ लोगों की वजह से सभी लोगों को झेलना पड़ता है ये सब, बाकी क्या कर सकते हैं। इसका यही इलाज है कि कैमरे लगे हुए हों और चालान वगैरह काटे जाएं। और वो देखिए उस तरफ वाला पिलर, और यहाँ से सारे जो तार हैं मोटी मोटी तार, ये ऐसे दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ को जा रही हैं, एक इधर और एक इधर। ये देखिए, तो एक तरफ को 15 केबल्स हैं यहाँ पर, और एक तरफ 15, टोटल 30 केबल्स हैं यहाँ। और दूसरी तरफ को आप केबल देखोगे तो दूसरी तरफ को 8 केबल हैं जो कि इसी के साइज़ की है। और अभी मैंने नीचे से थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि नीचे से कैसा दिखता है। ये देखिए काफ़ी ट्रैफिक जो है वो हैंडल हो गया है इस रोड के ऊपर। पहले जो था वो पुराना वाला वज़ीराबाद वाला पुल था, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, बहुत ज़्यादा उस पर ट्रैफिक भी रहता था। और ये देखिए नीचे कंस्ट्रक्शन साइट चालू है, वहाँ पर मेट्रो का काम भी हो रहा है, एक मेट्रो की नई लाइन बन रही है वहाँ पर। वो देखिए कैमरे वगैरह यहाँ पर काफ़ी हैं, फिर भी लोग जो है हरकत कर देते हैं यार, केबल्स के ऊपर चढ़ जाते हैं। लाइक ये देखिए, ये मोटी मोटी केबल्स हैं, इन केबल्स के ऊपर चढ़ जाते हैं। वही है
किसी किसी के खून के अंदर बंदर का भी खून होता है, तो वो हरकत तो ज़रूर करते हैं। सो गाइस, अभी जो है वहाँ पर ऊपर मैंने पूछा था, एक भैया बैठे हैं, तो उन्होंने कैमरा तो अलाउड नहीं करा है ऊपर अभी, बट बता रहे हैं कि जो एक लिफ्ट है उसमें अंदर 6 लोग जा सकते हैं एक बारी में। तो एक बारी में 6 लोग जा सकते हैं, और लिफ्ट जो है वो इस एरिया में है, यहाँ पर आसपास इधर इस एरिया में है लिफ्ट है, और लिफ्ट जो है तिरछी जाएगी, बट उसका बेस जो रहेगा, जो उसका बेस रहेगा वो बिल्कुल सीधा रहेगा, समतल रहेगा। अभी जो है अभी तैयार नहीं हुआ है अभी, तो कह रहे हैं कि कितना भी टाइम लग सकता है, एक बारी में 6 लोग जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं कितने तरह के तो शॉट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्लो मोशन, टाइम लैप्सेस, बट हो पता है क्या रहा है, ये इतना वाइब्रेट कर रहा है ना, पुल हिल रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे भूकंप आ रहा हो। तो गाइस, अभी मैंने बनाए कुछ यूनिक शॉट्स इस सिग्नेचर ब्रिज के, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। और तो थोड़ा सा थोड़ी देर में जब अंधेरा हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं वापस यहाँ पर आऊँगा कुछ इवनिंग के शॉट लेने के लिए। तो चलिए फिर अभी चलते हैं। सो गाइज, 1 बजे का मैं गया हुआ और अब मैं आया हूँ 9 बजे। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। सिग्नेचर ब्रिज को अपनी नज़र से भी आज देख लिया। सो जो सिनेमैटिक्स बनाए, ड्रोन शॉट्स वगैरह बनाए मैंने, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।